सीधी जिले में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक के चलते भांजे ने अपने मामा का कुल्हाड़ी से सिर धड़ से अलग कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि उसके सिर को अपने हाथों में लेकर वो 2 किलोमीटर तक पैदल चलता रहा, जिसकी वजह से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल निर्मित हो गया और लोगों के दिलों में डर बैठ गया। जानकारी के अनुसार ग्राम कारी माटी जो कि थाना जमुई के अंतर्गत आता है, वहां के रहने वाले शख्स रावेंद्र सिंह गौड़ उम्र 26 वर्ष ने अपने मामा पर शुक्रवार सुबह हमला कर दिया। भांजे ने कुल्हाड़ी से इस कदर मामा मकसूदन सिंह पर वार किया कि उसका सिर धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद रावेंद्र सिंह अपने मामा का सिर हाथ में लेकर 2 किलोमीटर तक पैदल भी चलता रहा। फिलहाल इस पूरे मामले को देखते हुए सीधी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर भांजे को हिरासत में लेकर कार्रवाई करती हुई देखी जा रही। वही एडिशनल एसपी अंजुलता पटले ने जानकारी देते हुए बताया कि अभी कई सारे तथ्य बाहर आएंगे, फिलहाल आरोपी को पकड़कर उसे हिरासत में ले लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजवाटिका विवाह घर सर्व सुविधा युक्त प्राकृतिक सुंदरता से ओत प्रोत। राजवाटिका विवाह घर में एंगेजमेंट, तिलक, शादी, रिसेप्शन, वेडिंग शूट, जन्मदिन पार्टी, जन्माष्टमी सहित अन्य कार्यक्रमों के लिए विवाह घर उपलब्ध। अपने मांगलिक कार्यक्रमों को यादगार बनाएं शहर के मध्य वातानुकूलित राजवाटिका मैरिज गार्डन के साथ। हमारा पता है राजवाटिका मैरिज गार्डन, नेशनल हाईवे, जूला मोड़, भुंडहा, रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9827004251।